तीनों शनाखा रहमत अल्लाह ताला की रहमत के हवाले से, रहमत बारी ताला के हवाले से मौजू है। अब बुनियादी बात यह है कि आया उसके ज़राए क्या हैं, किस तरह अल्लाह की रहमत का हुसूल मुमकिन है। अगर ये चीज़ें अगर आप जान लें और अपने मामूलात ज़िंदगी में शामिल कर लें तो इंशाल्लाह रहमत ही रहमत होंगी। क़िबला मुफ्ती मोहम्मद अकमल मदनी साहब की खिदमत में अर्ज़ है, हुज़ूर ज़राए फरमाइएगा और हुसूल किस तरह मुमकिन है। देखें, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो ख़ुद रहमत इलाही के हम तक पहुंचने का ज़रिया ख़ुद रहमत इलाही है। सुभान अल्लाह, यानी अल्लाह तबारक व ताला ने अज़ल से फ़ैसले फरमाए आपको किस जगह रखेगा, क्या इज़्ज़त देगा, क्या अल्लाह ताला एहतराम देगा, कितनी औलाद होगी, लड़के कितने हैं, लड़कियाँ कितनी हैं, जोजा सालिहा है, इताअत करने वाली है, माली लिहाज से इस्तेहकाम अल्लाह ताला अता फरमाता है, फिर खूबसूरती है, जिस्मानी साख्त है और बहुत सारे जितने आप इनाम दे सकते हैं जिसमें इंसान के अपने इख्तियार और कुदरत का कोई दखल ना हो, तो ये फ़कत अल्लाह की रहमत से ही हासिल हुआ, तो ये अल्लाह का करम है। एक ऐसा होता है जिसमें इंसान को मुकल्लफ भी बनाया गया या इंसान की कोशिश का दखल होता है, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इन्ना रहमतुल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन, कि बेशक अल्लाह की रहमत नेक अमल करने वालों से करीब है। इसका मतलब है नेक अमल जो करेगा अल्लाह ताला मजीद इनामात उसको अता फरमाएगा, अगरचे नेक अमल करना भी तौफीक इलाही का ही नतीजा होता है। इसमें भी आपका मेरा कमाल नहीं देखा जाए तो असल कमाल मेरे रब का है। लेकिन बहरहाल, अच्छा अब नेक कैसे इंसान बनेगा कि अल्लाह की रहमतें मजीद उसको हासिल हों? एक तो यही कि हम इल्म दीन हासिल करें, खुसूसन जो फ़र्ज़ उलूम है जिनमें से सबसे पहला अकीदा है। किसी का अकीदा ही ठीक ना हो तो वो कैसे उसके ऊपर पूरे जो इंसान के ज़ाहरी आमाल का दार मदार है वो अकीदे की सेहत पर है। अगर अकीदा ही ठीक नहीं है तो फिर उसके तमाम अकीदा ही ठीक ना हो तो फिर लाजिम सी बात है कि उसके अमल तो मकबूल नहीं अल्लाह की बारगाह में। दूसरा, फिर वो जो अहकाम शरई अमली अल्लाह ने हम पर लाजिम फरमाए हैं, तहारत के मसाइल हैं, इबादत है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, कुर्बानी है, मन्नत है, सदक़े फ़ित्र वगैरह है, फिर हमारे बाहम मामलात होते हैं, तिजारत है, मुदारबत है, शिरकत है, इजारा है, कर्ज़ है, आरियत है, अमानत है, इसी तरह हुकूक़ ज़ौजैन के मसाइल हैं, मियाँ बीवी के हुकूक़ वगैरह, दीगर मखलूक़ात के हुकूक़ हैं, फिर गुनाहों की मारिफत है कि गुनाहों की मारिफत इंसान सगीरा गुनाह कबीरा ज़ाहरी क्या है बातनी क्या है, अकीदा ठीक कर लिया, अहकाम शरईया अमलिया से अपने आमाल की इस्लाह कर ली और तकाज़ाए शरीयत के मुताबिक अदा करके अल्लाह की रहमत को हासिल किया, तीसरा गुनाहों से महफूज रहा, तो वो बनेगा नेक। वाह वाह, तो फिर अल्लाह ताला के इनाम मजीद उसकी तरफ मुतवज्जे होंगे। क्या कहना? अच्छा, अब नेक कैसे साबित होगा कि हम नेक है? इसका एक जो हदीस है मेरे जहन में, उसको बयान करना चाह रहा हूँ। हमारे नज़दीक तो नेक वो है कि जी इनसे मिले बहुत मुत्तकी हैं, सर से पांव तक देखें तो तकवा की कोई ज़ाहिर अलामत ना हो। जी कैसे हैं? माशाल्लाह मस्जिद में हर महीने 10,000 रुपये चंदा देते हैं हाजी साहब, 20 दे के पकाते हैं, 50 बच्चियों की शादी कर दी है, इसके बाद कुछ भी नेकी ना करे वो, उन्हें मान लो कि इस वक्त का सबसे बड़ा इमाम आज़म का अक्सर सानी यही है। ओ, ओ, ओ। और ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह की कब्र से बरह रास्त फैज इसी ने हासिल किया। एक सहाबी नबी करीम के पास आया, अर्ज़ किया मुझे कोई नसीहत फरमाइए। फरमाया कुन मुहसिनन, तू नेक हो जा। अर्ज़ किया मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं नेक हो गया? फरमाया जब तेरे पड़ोसी कहे ना कि तू नेक है तो तू नेक है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, यहाँ पड़ोसी से मुराद उलमा ने तशरीह करते हुए बयान फरमाया कि वो ही नहीं जो बराबर में रहता है, बल्कि पड़ोसी से मुराद जो आपके साथ रहता है। अच्छा। उसमें सबसे करीब आपकी जोजा, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, आपके दीगर रिश्तेदार। बाद औकात हम बाहर एक ज़ाहरी लिबादा ओढ़ कर लोगों के सामने बड़े आर्जी पसंदी में कुत्ता कमीना हूँ और हम अच्छे लहजे में, सुस्ता लहजे में गुफ्तगू करते हैं, लोग कहते हैं हाजी साहब का लहजा कितना प्यारा है, और घर में वही जो मैं मिसालें देता हूँ, सुल्तान राई धूम दरवाजा ला तुम्हारी अंदर दाखिल हुआ, बच्चे सहम गए, बेटियां दो दर घुस गई, जोजा ने तो फेस करने करना, वो बेचारी कहाँ कुएं में कूदे, तो वो बेचारी कांपती हुई सामने आ गई, ओ माँ बहन की गालियां, थप्पड़ मार रहे, नमक तेज हो गया तो प्लेट मुंह पे मार दी। अब ये जो करीबी लोग हमारी गवाही देंगे, क्योंकि हम दूसरों के सामने होते हैं तकल्लुफ के पर्दों में, बिल्कुल, लेकिन जोजा से तकल्लुफ नहीं, करीबी दोस्तों से तकल्लुफ नहीं, वो सही तारुफ, रिश्तेदारों से तकल्लुफ नहीं, जब ये गवाही देना कि हाँ ये अच्छा है, ये परहेजगार है, ये नेक है, और लेकिन इसमें यह जरूर है कि वो गवाही देने की सलाहियत रखते हों। बाद औकात तो आप बहुत से फुसाक फुजार को आपने देखा है, डाका मारा पब्लिक में बांट दिया तो कहते हैं जी ये तो दाता इस वक्त का, अब उनकी तारीफ से कोई वो सही बन गया, वो तारीफ़ करने के अहल भी हों तो, जो इसीलिए तारीफ
अगर बाकमाल आदमी करे तो वो आपके कमाल की दलील होती है, और जिसने अपने कमाल की बुनियाद लोगों की तारीफ के ऊपर रखी, अपने आप को बाकमाल समझने की बुनियाद, वो कभी बाकमाल नहीं हो सकता। तो अब खुलासे कलाम ये हुआ कि हमें नेक बनना चाहिए। जो हमारे कुदरत इख्तियार में अल्लाह की रहमत को हासिल करने का तरीका है वो ये कि हम नेक परहेजगार बने, और उसके लिए इम्तिहान यही है कि हम इल्म दीन सीखें, उसके तकाजे के मुताबिक अमल करें, अपनी सीरत को नबी करीम की सीरत के सांचे में ढालें, कि हत्ता कि हमारे करीबी लोग गवाही दें कि 50 साल साथ रहा हूं, आज तक मैंने इसके अंदर कोई खराबी नहीं देखी। जैसे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं कहूं कि पीछे लश्कर जर्रार है तो तुम क्या कहोगे, मेरी बात मानोगे नहीं मानोगे? कहा कि आप सादिक हैं, आप अमीन हैं। 40 साल ऐसा अमल करके दिखाया कि दुश्मन भी सादिक और अमीन कहने पर मजबूर है। तो ये जो तरीक़ेकार अगर हम इख्तियार करें तो फिर ये कि अल्लाह की रहमत और मुतवज्जे होगी। इसमें मैं भी अपना एहतसाब करता हूँ, सब एहतसाब करें, हम गालियाँ बकें, हम माँ बाप की आंखों में आके डाल के उनके सीने पर चढ़ के गुफ्तगू करें, बीवी पे जुल्म करें, या हमारी बहनें भी सुन रही हैं, शोहर के सीने पर चढ़ के उसको एहसास दिलाएं कि शेरनी यहाँ है, तुझे गिदड़ बनना पड़ेगा, और शोहर सहम जाए कि ना बाबा ये तो शेरनी पटक के नीचे। एक बहन ने बताया कि मैंने शोहर को नीचे लिटा के छुरी रख दी उसकी गर्दन पर, कहा 3 तलाकें दे, उसने दे दी। फिर मुझसे पूछे सब तलाक हो गई, इतने भोलेपन के साथ माशाल्लाह, ये अल्लाह ताला कुर्बान इस पर बहुत सी चीज़ें कुर्बान जाएँ इस आर्जी के ऊपर, इस सादगी और भोलेपन के ऊपर। तो बाज़ शोहर तो ऐसे हैं कि जो वो कांपते हैं बेचारे। तो हमें अपना एहतसाब करना चाहिए, लोगों की तारीफ से अपने कमाल को मुतय्यन ना करें कि जी फलां तारीफ कर रहा है फलां। लोग तो मस्के लगाते लगाते बाज़ोकात तकल्लुफन करना, बाज़ोकात आपको भी हमारी तारीफ तकल्लुफन करनी पड़ती होगी कि स्टेज का तकाजा ऐसा है, वरना हम जैसे गुनाहगार भी बैठे होते हैं। तो खुलासे कलाम ये है कि ये इसको अगर बुनियाद बनाया तो इंसान को भी अच्छा नहीं सकता। तो अब जब हम वाकई नेक बनेंगे, अब अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होगी, अल्लाह ताला आफात व बलियात को भी दूर करेगा, दरजात की बुलंदी, और खुसूसन उलमाए किराम या ऐसे लोग जिनको अल्लाह ताला ने अपने लिए रोल मॉडल बनाया हो, अगर वो हकीकतन सही चलें तो अल्लाह ज़बान में वो तासीर अता फरमाएगा कि इनकलाब पैदा हो जाएगा, शख्सियत में वो तासीर होगी, क्योंकि साथ बैठे तो नेक और परहेजगार हो जाएगा, और उनका कौल नहीं उनका अमली नसीहत करने के लिए काफ़ी होगा। अल्लाह ताला हम सबको ऐसा बना दो। सुभान अल्लाह। बड़ी सराहत के साथ मुफ्ती साहब ने जो जवाब इनायत फरमाया।